गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन देवेन जी करना चाहते हैं, तो यू जस्ट आस्क योर क्वेश्चन, क्या कहना क्या चाहते हैं? गुड इवनिंग सर, एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा प्रेगनेंसी से संबंधित है। जो लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी चल रही है और हमारे बच्चे का खाना पानी क्या है, क्या हम जो खाना खाते हैं उस बच्चे को लगता है? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल मुद्दा है कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर जो भी खाती है उसका न्यूट्रिशन बच्चे में कैसे जाता है, कब जाता है, कितना जाता है, और प्रेगनेंसी के शुरुआत में कितना जाता है, प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में, थर्ड मंथ में कितना जाता है, जो मिडिल पार्ट है उसमें कितना जाता है, आखिरी पार्ट में कितना जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मदर प्रेग्नेंट होना चाहती हैं या फिर हुई हैं, कैरी कर रही हैं, यदि आप वेजिटेरियन हैं तो आप अपना प्रोटीन मात्रा बढ़ा लीजिए। प्रोटीन खाना बहुत ज़रूरी है, तब जाके बच्चे का हेल्थ अच्छा होगा। दूसरा, यदि आपको खून की कमी है तो मेरा जो एक सोचना है कि आप यदि सीरम फेरेटिन को, भले ही हीमोग्लोबिन आपका 11 रहे, यदि सीरम फेरेटिन को आप अच्छा रखेंगे मोर देन 41, तो आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के नहीं होंगे। ये जो मदर का खाने का जो सिस्टम है, लोग बहुत ये बोलते हैं कि जब प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है तो प्रेगनेंसी की शुरुआत में वॉमिटिंग होती है। 50-60% ऑफ द फीमेल अपना बॉडी वेट कई बार लॉस करती हैं, उनका वजन घटता है, तो ये बड़ी चिंता होती है कि मैं खा नहीं पा रही हूँ तो मेरे बच्चे को क्या होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो बेबी अंदर पलता है उसके पहले 3 महीने के लिए उसको केवल अपने स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत पड़ती है, और उसका जो साइज़ है वो मैक्सिमम 67-65 मिलीमीटर, मतलब 6.5 मिलीमीटर तक जाता है 12 वीक्स में, 3 महीने में, और उसका वेट फ्यू ग्राम्स में रहता है। तो आप समझ सकते हो कि उसके ग्रोथ करने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है, उस समय उसको ज़रूरत है कि उसका स्ट्रक्चर ठीक बने। तो पहले 3 महीने में यदि आपका वेट लॉस भी होता है तो डोंट वरी, पहले 3 महीने में आप जो खाना खा रहे हैं वो यदि आपका खाना भीतर नहीं जा पा रहा है, आपको ज़बरदस्ती दूध पिलाया जाता है, आपको ज़बरदस्ती कई चीज़ें दी जाती हैं, यदि वो नहीं हो पा रही तो डोंट वरी टू मच। वॉमिटिंग यदि बहुत ज़्यादा हो रही है, जीभ यदि सफ़ेद पड़ रही है, सूखी हो रही है, यूरिन बहुत डार्क हो रही है, तो आप मीठा खाना थोड़ा बढ़ा दीजिए, कार्बोहाइड्रेट बढ़ाएंगे, मीठा खाएंगे तो आपका पित्त नहीं पड़ेगा तो आपको वॉमिटिंग कम होगी। इसके बाद भी यदि मैनेज नहीं होता है तो IV का ड्रिप लगाना पड़ता है, एडमिट करना पड़ता है। बात आती है 3 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में, ये जो टाइम है, इस टाइम में बच्चे का स्ट्रक्चर बन चुका होता है और बच्चे का ग्रोथ स्टार्ट होता है। तो आप नोटिस करेंगे कि 3 महीने के बाद में वॉमिटिंग कम होने लगती है और जो मदर है, प्रेग्नेंट लेडी है, वो खाना खाने लगती है। अब आपका जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे? क्या हम जो खाना खाते हैं वो बच्चे को लगता है? अब बच्चे को लगता है तो बच्चे को क्या चाहिए? बच्चे को खाना आप जो खाते हैं डायरेक्ट बच्चे को नहीं लगता। बच्चे को खाना जो नेचर ने बनाया है, बहुत ही सोच समझ के बनाया है, ये यूट्रस है, बच्चेदानी, बच्चेदानी के बाजू में ये ब्लड का, मदर का ब्लड सप्लाई है, ये बच्चा है। इस बच्चे की एक नाल है, उस नाल से यहाँ पर मदर के साथ में एक इंटरफेस है, एक बीच में एक इंटरफेस बोल सकते हैं या फिर एक इंटरमीडिएट एरिया है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा में ये कॉर्ड लगी रहती है और इस प्लेसेंटा में यहाँ से ब्लड सप्लाई आती है। ये जो ब्लड सप्लाई है, इस ब्लड सप्लाई में मदर जो भी फूड ले रही है, प्रोटीन ले रही है, कार्बोहाइड्रेट ले रही है, फैट ले रही है, उनके डाइजेस्टेड पार्टिकल इधर आते हैं। कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड ग्लूकोज होगा, प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स होंगे, फैट में लिपिड्स होंगे, ये मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर जब भी हम कुछ खाना खाते हैं
उसको पचने के बाद जो कॉम्प्लेक्स होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, और ये जो यूनिट्स हैं ये यूनिट्स इसमें घूमते हैं। अब इसमें यूनिट प्रोटीन का भी है, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, सबका है। जब ये प्रोटीन का यूनिट और सबका यूनिट इधर आता है तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट यहाँ ट्रांसफर हो जाए। ये एक जब भी यहाँ आता है तो यहाँ पर इसको एक फिल्टर नुमा रहता है और यहाँ से ये बाहर आएगा। इसमें बच्चे की तरफ से जो नाल आ रही उसमें कुछ ऐसे फिंगर नुमा चीज़ें होती हैं जिसमें ये नहाती है। अब जो भी प्रोटीन प्रोडक्ट जो भी होगा वो इसके थ्रू रिस्के ही इसके पास आएगा। तो मदर जैसा खाना खाएगी, मदर यदि प्रोटीन अच्छा खाएगी तो प्रोटीन अच्छा मिलेगा, यदि आप बहुत शुगर लेंगे तो इधर शुगर भी बढ़ सकता है। तो आप देखेंगे डायबिटिक मदर्स को बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं। मदर को आप यदि खाना ही नहीं देंगे, प्रोटीन भी नहीं देंगे, कार्बोहाइड्रेट नहीं देंगे, इक्वल अच्छा नहीं मिलेगा, तो बच्चा छोटा हो जाता है। तो अल्टीमेटली जो बच्चा है वो मदर के न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक इसकी एनर्जी जो ग्लूकोज से मिलती है, और दूसरा इसका ग्रोथ, जो इसकी बढ़त, इसका साइज, वो मिलता है प्रोटीन से। इसलिए मैं हर हमेशा सुपाच्य जो प्रोटीन है वो खाने बोलता हूँ। नॉन वेजिटेरियन अपने हिसाब से खा सकते हैं, पर जो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन प्रोटीन महंगा होता है। यदि उसको मेंटेन कर सकते पनीर, दूध, चना, राजमा, इन चीज़ों से, साथ में यदि आप सप्लीमेंट ले लो प्रोटीन का, वे प्रोटीन जो कि ईजिली डाइजेस्ट हो जाए, तो ये प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स भी इधर आ सकते हैं जो बच्चे की तरफ जाएंगे तो बच्चे का हेल्थ अच्छा होगा। तीसरे से छठवें महीने के बीच में ये चीज़ें इस्टेब्लिश होती हैं, बड़ी होती हैं और बच्चे को ग्रोथ होना चालू होता है। छः महीने से लेकर नौ महीने बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। छः महीने से लेकर नौ महीने में बच्चे का स्ट्रक्चर बन गया, सब कुछ बन गया, अब बच्चे की हेल्थ और बच्चे का साइज़ बढ़ना होता है। साइज बढ़ना मतलब सेल के नंबर बढ़ना, सेल के नंबर बढ़ना मतलब आपको और यूनिट बनाना पड़ेगा। यूनिट बनाना है तो आपको इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? प्रोटीन से आएगा, कार्बोहाइड्रेट से आएगा, फैट से आएगा। इन चीज़ों को सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। साथ में इस बच्चे के साथ जो यहाँ से मदर ऑक्सीजन ले रही है वो ऑक्सीजन की सप्लाई भी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। अब ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन को कैरी करने वाला कौन है? हीमोग्लोबिन। अब आपने यदि इसका, मदर का हीमोग्लोबिन ही घटा दिया तो इसके पास ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी, ऑक्सीजन कम आएगा तो ये बच्चा, खाना तो मिल रहा बट उसको एसिमिलेट, उसको यूज़ करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल रही, तब भी ये छोटा हो जाता है। तो कुल मिला के जो खाने का, जैसे खून बढ़ाने के लिए बोलते हैं कि हम क्या चुकंदर खा लेंगे, हम अनार का रस पी लेंगे, जो लाल रहेगा उससे खून का मात्रा बढ़ जाएगा, ये सब भ्रम है, ये सब मिथ है। आपको बेसिकली प्रोटीन लेना चाहिए, जिससे खून बनता हो वो चीज़ें लेना चाहिए, हीमोग्लोबिन को मेंटेन करना चाहिए। प्रोटीन यदि आप ले रहे हैं तो प्रोटीन किस वैरायटी का ले रहे हैं जो हजम हो सके। कई बार ये भी मैं बोलता हूँ कि यदि आप प्रोटीन ले रहे हो और आपको प्रोटीन लेने के कारण पेट भरा भरा रहता है तो आप खाना भले ही रेगुलर वाला मत खाइए, कम खाइए, बट आप अपना प्रोटीन को कम मत करिए। यदि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में पेट गर्म होता है, पेट में तकलीफ होती है, तो पानी पीना बढ़ा दीजिए। जितना हो सके आप करके आप अपने बच्चे का ग्रोथ कर सकते हो। तो मदर क्या खाए और बच्चे को क्या मिले ये डिपेंड करता है मदर क्या वैरायटी की खा रही है। यदि आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा बच्चे की तरफ कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाएगा, डायबिटिक हो जाएंगे, बच्चे का साइज बढ़ जाएगा पर बच्चे का एनर्जी में लॉस हो सकता है। कुल मिला के एक बैलेंस डाइट होना चाहिए जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जो घर का खाना प्लस सप्लीमेंट्स में विटामिन एंड फोलिक एसिड शुरू से देना, ताकि स्पेशली मैं वेजिटेरियंस को बोलता हूँ, स्पेशली जो कि केवल हो सकता दूध या दाल वगैरह खा पीते हो,
उनको कई विटामिन्स की रेगुलर सप्लाई में कमी आ जाती है, क्योंकि उनमें खुद में कमी रहती है तो बच्चे में भी कमी रहती है। इन चीज़ों की कमी होने से बच्चे का जो मानसिक विकास, बच्चे का जो शारीरिक विकास, वो घट सकता है। तो सप्लीमेंट यदि हम देते हैं तो उसको ज़रूर लेना चाहिए। आयरन की टैबलेट यदि आपसे नहीं लेते बनता और हीमोग्लोबिन कम है, कई बार आयरन की टैबलेट से उल्टियाँ होती हैं, आप डॉक्टर को बताइए। आयरन देने के और भी तरीके हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके फेरेटिन लेवल को अच्छे से रखने के लिए, ताकि आपका हीमोग्लोबिन लेवल आयरन एक स्टोर फॉर्म में आपके पास रहे अंदर। जो कैल्शियम देते हैं, जो सरकारी आयरन और कैल्शियम, उनको ज़रूर खाइए। प्रेगनेंसी के पहले गांव की औरतों को, और स्पेशली जो बाहर खाते हैं, होटल में जाके खाते हैं, उनको मैं सबको बोलता हूँ कि एक अपना डीवर्मिंग जरूर करा लीजिए, पटार की दवाई ले लीजिए। ये चीज़ें बहुत सिंपल हैं और उससे आपका हेल्थ भी इम्प्रूव होगा, और आप जब प्रेग्नेंट होंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद डीवर्मिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो चीज़ें बड़ी अच्छी होंगी और प्रेगनेंसी हेल्दी भी होंगी, और प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन कम होंगे। यदि प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन कम होंगे तो मातृ और शिशु दोनों की मृत्यु दर में कमी आ सकती है। आशा है इतना ही आप जानना चाहते हैं। यस, एग्जैक्टली। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।